हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब परिवार में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो भेड़ बकरियों में होने वाले फड़किया रोग एंटेरोटॉक्सिमिया के बारे में, कि जो ये एंटेरोटॉक्सिमिया है ये पशुओं में किन कारणों से होता है, अगर हो जाए तो इसका क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हमें क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि जो भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं और जो पशुपालक जो डेयरी फार्म करते हैं उनको बहुत ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके जो बैक्टीरिया मेन है वो है जैसे क्लास्ट्रिडियम वेल्चा टाइप डी हो गया, दूसरा क्लास्ट्रिडियम परफिरिनेज हो गया। तो ये जो बैक्टीरिया है इनके पशु के शरीर में इंटर करने के कारण इनमें ये डिजीज होती है। दूसरा, इनको जो अन्य अलग अलग जगह उन पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसको फड़किया रोग भी बोलते हैं, दूसरे लोग इसको ओवर ईटिंग डिजीज भी बोलते हैं, दूसरा इसको अल्फी किडनी रोग भी, पल्पी किडनी रोग भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका परिचय। दूसरा, अगर हमारे पशुओं में ये रोग हो जाए तो इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो हमारे पशु है, अगर ये वायरस उसके शरीर में एंटर कर गया तो उसमें क्या होता है, उसकी जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है उसमें बीटा और ओइटा नामक जो विष है वो पैदा हो जाता है इन बैक्टीरिया के कारण, और वो पशु के पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद में क्या होता है, हमारे पशु को चक्कर आने लग जाते हैं, उसकी लकवा आ सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे, उसको दस्त भी स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, उसको उसके जो दांत है वो हरे रंग के दिखाई देने लग जाते हैं, और उस पशु में मुंह से झाग आने लग जाते हैं। साथ में जो हमारा पशु है वो क्या एक्टिविटी करता है कि उसके जो अगले पैर है उनके बीच में अपनी गर्दन को करके चारों तरफ बिना कारण ही घूमता है, और बाद में उसको आफरा भी आ जाता है जिसके कारण उसको श्वास लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आफरा आ जाएगा तो श्वास में दिक्कत आएगी, और श्वास में दिक्कत आएगी तो डायफ्राम पे जोर पड़ेगा, और डायफ्राम पे जोर पड़ने के कारण वो फट जाएगा और पशु के अंत में पशु उछल कर गिरेगा एक साथ डायफ्राम के फटने के साथ में, और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए इसका समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई लंबे समय की तक रहने वाली डिजीज नहीं है, ये जल्दी ही पशु को मृत्यु दर तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए इसका हमें ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, और उसका ट्रीटमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा मेरे टेबल पे ले जाके। लेकिन उससे पहले, आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस का आप नोटिफिकेशन ले सके। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें पेनिसिलिन ग्रुप लगाते रहना है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज के सबसे ज्यादा काम करेगा पेनिसिलिन ग्रुप। जैसे पेनिसिलिन 20 लाग आ गया, 40 लाग आ गया, या फिर स्टेप्टो पेनिसिलिन आ गई है, हमारे पशुओं में जो भेड़ बकरियां उनमें लगातार लगाते रहना है जब तक वो ठीक ना हो तब तक। दूसरा, दर्द निवारक के रूप में हमें काम में लेना है मेगलोडाइन, जिसकी डोज आती है 3 से 5 ml, इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं भेड़ बकरियों में छोटे। और इसमें जो साल्ट आता है फ्लूनिक्स मेगलोमाइन साल्ट आता है, और विर्बे कंपनी का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए वो आप यूज में ले सकते हो। तीसरा, जो नर्वाइकल डिजीज से संबंधित है, इसके लिए न्यूरोकाइन प्लस आता है, वो आपको अपने छोटे वेट बकरियों उनमें 5 ml तक लगाना है। और अगर न्यूरोकाइन वेट नहीं है तो आप उसके स्थान पर न्यूरोक्सिन वेट, जो एम वेट आता है 5 ml, वो भी आप अपने पशुओं में लगा सकते हो। इनमें से एक आपको लगाना है, ये नर्वाइकल डिजीज से संबंधित है इसलिए। तीसरा, जो लास्ट जो इंजेक्शन लेना है वो न्यूरो CPM लेना है आपको, जैसे क्लोरफेनिमाइड आता है CPM, उसको जैसे DCR में जो इंजेक्शन आता है पेनिसिलिन, उसको डिस्टिल वाटर को घोलने के लिए इसमें इसका जैसे 5 से 7 ml लेके उस पाउडर को घोल के अपने पशु में लगाना है। तो ये तो थी इसका जो अपन को जब पशु में डिजीज हो जाए तो उसके बारे में। तो ये जो मैंने आपको इंजेक्टिव ट्रीटमेंट बताया, ये ओनली आप किसी वेटनरी प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से ही लगवाने हैं, आपको खुद से यूज में नहीं लेने हैं। फ्रेंड्स, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होने के कारण हमें इसका बचाव ही उपाय है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है। उसमें कुछ ही जानवर जो समय पर ट्रीटमेंट होता है वो ही इसके उसमें ही कारगर साबित होता है। तो इसलिए इसका समय पर वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके वैक्सीन के रूप में आती है एक रक्षा इट्टी मार्केट में, जिसको हमें जो भेड़ बकरियाँ हुई उनमें 2 ml लगवाना है सबकट। इसका जो मतलब इसके नॉन प्रेग्नेंट हो पशु चाहे प्रेग्नेंट हो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप दोनों में लगवा सकते हो, और साल में 2 बार लगवाना है ये वैक्सीनेशन 6-6 महीने में। और जैसे अपन ने आज एक बार वैक्सीन लगवा ली तो 14 दिन के बाद में इसकी डोज है वो फिर से रिपीट करनी है, तभी ये ज़्यादा असर करेगी। इसलिए अगर फिर से रिपीट नहीं करेंगे तो ये कोई कारगर साबित हमारे पशु में नहीं होने वाली है। और दूसरा, जो वैक्सीन आती है उसको हमें -2 डिग्री से लेकर -1
6 डिग्री तक फ्रीजिंग करके बाद में हमारे पशुओं में हमें लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये तो था एंटेरोटॉक्सिमिया, जो भेड़ बकरियों में होने वाले फड़किया रोग के बारे में, जो पशुओं को ज़्यादातर मृत्यु दर की ओर ले जाता है, उसका ट्रीटमेंट और टीकाकरण के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जैसे आपके जो डेयरी फार्मर है या आपके जो फ्रेंड्स हैं वेटनरी स्टूडेंट्स हैं, साथ ही जो भेड़ पालक या बकरी पालक जो जिन्होंने सीड कर रखा है उनको आप शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।